आदर्श आचार संहिता के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा इल्लीगल तरीके से शराब या कोई महत्वपूर्ण धातु जैसे सोना, चांदी या केश या कोई उपहार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसकी जब्ती के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है जिसे इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। आदर्श आचार संहिता के दौरान बैंकों द्वारा अपनी अदर बैंक ब्रांच या एटीएम के लिए केस का मूवमेंट किया जाता है। इस मूवमेंट को सुगम एवं पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बैंकों के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसे कहा जाता है DLBC इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस द्वारा प्रत्येक ब्रांच के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक कोऑर्डिनेटर अपने अधीनस्थ ब्रांचों का रजिस्ट्रेशन कर प्रत्येक ब्रांच के लिए एक DLBC यूज़र क्रिएट करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से यूज़र क्रिएट किए जाएंगे और QR कोड तैयार किया जाएगा। इसके लिए आपको cvigil.eci.gov.in/bank/login पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना OTP दर्ज करेंगे और लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पेज दिखाई देगा। इसके लिए प्रत्येक DLBC बैंक कोऑर्डिनेटर अपनी अधीनस्थ जिले में समस्त ब्रांचों के लिए एक यूज़र क्रिएट करेंगे। इसके लिए क्रिएट यूज़र पर जाकर बैंक मैनेजर का नाम बैंक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें और रजिस्टर्ड बैंकों की लिस्ट दी गई है, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रांच का नाम डालना होगा, आपकी कौन सी ब्रांच है, किस विधानसभा के अंतर्गत वो ब्रांच आती है, वो ब्रांच विधानसभा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। ईमेल आईडी दर्ज कर आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो एक यूज़र आपकी बैंक के लिए क्रिएट हो जाएगा। अब रजिस्टर्ड बैंक अधिकारी यदि अपनी ब्रांच से किसी तरीके का केस मूवमेंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक QR कोड जनरेट करेंगे। इसके लिए उन्हें cvigil.eci.gov.in/bank/login पर जाकर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर यहां पर OTP डालकर लॉगिन करना होगा। अब यदि केस मूवमेंट करना है उसके लिए QR कोड जनरेट करना है तो यहाँ पर दिए गए क्रिएट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसे आपको फिल करना है। तो इसमें सबसे पहली जानकारी आपको डालना है व्हीकल नंबर, जो भी वाहन जिसके माध्यम से आप केस का मूवमेंट करा रहे हैं उसका गाड़ी नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब जो आप केस मूवमेंट कर रहे हो किस डेट के ड्यूरेशन में आप कर रहे हो तो वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि उसकी वैलिडिटी डेट कब तक रहेगी, वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको ड्राइवर का नाम यहां पर डालना होगा, जो भी ड्राइवर आपकी गाड़ी को चलाकर लेके जाएगा वो नाम आप यहां पर डाल देंगे। ड्राइवर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड नंबर हो सकता है, वोटर आईडी नंबर हो सकता है, पैन कार्ड नंबर हो सकता है, कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी बैंक मैनेजर हैं उनका कॉन्टैक्ट पर्सन जिनके माध्यम से ये केस की रिसिप्ट जनरेट की जा रही है उनकी जानकारी यहाँ पर हम डाल देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बैंक मैनेजर जिनका ये लॉगिन है वो अपना नाम यहाँ पर डाल देंगे, तो ये नाम हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर, तो उनका मोबाइल नंबर आप यहां पर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद कितना कैश अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो केस की जानकारी आप यहां पर डालेंगे। आपकी सोर्स लोकेशन क्या रहेगी, कहां से आप केस को मूव करा रहे हैं और उसकी डेस्टिनेशन लोकेशन क्या है, तो यहां पर अपनी सोर्स लोकेशन मंदसौर की जिस भी ब्रांच से केस मूव हो रहा है उस ब्रांच का पूरा एड्रेस आपको यहां पर डालना है। डेस्टिनेशन लोकेशन किस ATM में या किस बैंक में ब्रांच में यह केस जा रहा है तो उसकी पूरी जानकारी आप यहां पर डालेंगे और उससे संबंधित लीगल दस्तावेज जो भी आपने बनाए हैं वो यहां पर आपको अटैच करना होगा। उसको अटैच कर आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके लिए एक QR कोड आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब यह QR कोड आपको आपके गाड़ी का जो ड्राइवर है उसे प्रदान करना होगा, जिससे कि यदि चेक पोस्ट पर
FST या SST टीम द्वारा उन्हें रोककर जांच की जाए तो वह अपने ESMS ऐप के माध्यम से लॉगिन कर इस QR कोड को स्कैन करेंगे। जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे तो उस QR कोड से संबंधित जो भी जानकारी है उनके मोबाइल ऐप में दिखाई देने लग जाएगी, जिसे वह बहुत आसानी से वेरीफाई कर आपके द्वारा अधिकृत रूप से किए जा रहे कैश ट्रांसफ़र के मूवमेंट को परमिशन देंगे। धन्यवाद।